वेलकम स्टूडेंट्स, आज हमने लॉज ऑफ मोशन के कुछ रिप्रेजेंटेटिव न्यूमेरिकल्स करने हैं और इसके अगले वीडियो में आपके पास वो न्यूमेरिकल्स जो पिछले चार पांच सालों में आए हैं वो दिए जाएंगे। आइए पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए, उम्मीद है पढ़ लिया होगा आपने। अब देखिए, P इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर हमें मोमेंटम दिया गया है। अब हमको मालूम है dp by dt will be force। हमें दो चीजें पूछी गई, एक तो कहा instantaneous force और average। तो instantaneous में तो आप dp by dt करेंगे और t की वैल्यू तीन पुट कर देंगे, और average के लिए क्या करेंगे आप, जीरो एक बार पुट करेंगे, एक बार तीन पुट करेंगे और डिवाइड बाय तीन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बॉडी के मास का हमें यूज नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको सीधा मोमेंटम दे दिया गया है। तो मास इनटू वेलोसिटी में सीधा दे दिया गया है। आइए देखते हैं, सबसे पहले मैंने डीपी बाई डीटी किया और डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप देखिए, इसमें बी की वैल्यू मेरे पास टू है और टी मेरे पास तीन है, मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी। एफ एट दिस पॉइंट इज 12 न्यूटन, तो टी इक्वल टू थ्री के ऊपर इंस्टेंट इज फोर्स 12 न्यूटन आ गई। अब हम बात करते हैं एवरेज फोर्स के लिए, तो हमें इनिशियल और फाइनल निकालना पड़ेगा क्योंकि एवरेज के लिए, तो पी आई थ्री आया बिकॉज उसमें आपने टी को जीरो पुट कर दिया, और पी एफ 21 आया क्योंकि आपने ए इज थ्री प्लस बी इंटू टी स्क्वायर, बी इज अगेन टू एंड टी का स्क्वायर इज थ्री, तो थ्री स्क्वायर नाइन इंटू टू 18 प्लस थ्री 21, राइट। तो 21। अब एवरेज के लिए क्या है, इट विल बी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और डेल्टा पी मेरा कितना आ गया आप देख सकते हैं, 21 यहां आया है बाद वाला और इनिशियल तीन, तो डिफरेंस कितना आएगा 21 माइनस 3 एंड आई डिवाइड बाय 3, सो आई गेट 6 न्यूटन एज द फोर्स। तो कभी भी आपके पास स्ट्रेट वे, इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको मास दिया जरूर है लेकिन उसकी यूज ही नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी और बेहतर होती जाए। ये देखिए, अब इसमें क्या है, ग्राफ दे दिया एफ वर्सेस टी का, इसने कहा मास 1 केजी है, चलो बहुत अच्छी बात है, और इनिशियल वेलोसिटी 30 है और वेलोसिटी हमें टी इक्वल टू 4 पे निकालनी है। अब एफ टी का देखिए ग्राफ, एफ अपॉन टी इसका स्लोप क्या बताएगा, एफ अपॉन टी, लेकिन एफ इंटू टी क्या होता है, इंपल्स। ध्यान आया आपको, एफ इंटू टी इंपल्स। सो एफ इंटू टी यदि इंपल्स है तो यही चीज चेंज इन मोमेंटम भी तो हो गई, तो चेंज इन मोमेंटम जीरो से चार के इस ग्राफ के कर्व से हमें मिलेगा। ये देखिए, ये है 10, ये है 25, तो 25 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, मैंने कुछ नहीं किया, ट्रेपेजियम के एरिए का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये मैंने लगाया और कुछ नहीं किया, तो उससे मुझे इसका एरिया मिलेगा। तो एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ इज चेंज इन मोमेंटम। अब हमने एरिया निकाल दिया आपके सामने, इट कम्स आउट टू बी 70 यूनिट्स। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है देखिए आप, एम इंटू वी 30 इंटू 1, दैट मीन 30 और नया कितना है 70। अब इसमें देखिए एफ टी का ग्राफ पॉजिटिव है, मतलब 70 को उसमें जुड़ना है, तो 70 में आप 30 जोड़ दीजिए, आपके पास वेलोसिटी, हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा 100, मोमेंटम 100 है, और क्योंकि मास भी आपका 1 केजी ही है, इस वजह से हमारे पास इसकी वेलोसिटी आएगी 100 मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो आफ्टर दिस वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस। अब ये देखिए, ये उस टाइप का क्वेश्चन है जब मैं आपको मोमेंटम को, मैंने आपको बेसिक्स दिया था तब कहा था बॉडी एक वेलोसिटी से जाती है और वापस आती है, तो हमें चेंज इन वेलोसिटी का ध्यान रखना है, चेंज इन स्पीड का ध्यान नहीं रखना। अब इस क्वेश्चन में क्या हो गया, उसने वेलोसिटी को 50% कम भी कर दिया। ध्यान दीजिएगा, आपने पहले वेलोसिटी वी है और 50% कम किया, उसके अलावा उससे और बड़ी बात है, जो हमने वेलोसिटी को फेंका वो 45 डिग्री एंगल पर फेंका और वो 90 डिग्री पर कन्वर्ट होके वापस आया।
ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास डायग्राम माइंड में रखिएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये देखिए, अब मैंने इसमें दिखा दिया कि मेरी वेलोसिटी शुरू में v थी, ये एंगल मेरा 45 है, ये भी मेरा 45 है, और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हो गया। सो v और v बाय 2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, v रेड लाइन और ब्लू लाइन के बीच का एंगल 45 डिग्री है, इस तरह। अब क्वेश्चन ये है, देखिए हमें अब इसमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली क्या होता है, अगर ये v से ही वापस आता तो हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात नहीं करते, लेकिन इस केस में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट्स की बात करनी पड़ेगी। इसलिए क्वेश्चन मुझे यहां से थोड़ा सा प्लस लेवल का है, पर यदि आप इसका एक बार लॉजिक समझ जाएंगे तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी होगी। हम एक काम करें, समझने की कोशिश करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या बदलाव आया। हमारा मेन एम चेंज इन मोमेंटम ढूंढना है। आइए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल शुरू वाला था एम, बाद वाला हो गया एम वी बाई टू कॉस 45 और शुरू वाला एम वी कॉस 45, क्योंकि एंगल तो 45 है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो अलोंग द ब्लू लाइन है, नॉट अलोंग द वॉल है, अलोंग द ब्लू लाइन है। उसकी मैंने वैल्यू निकाली 3/2√2 mv। देखिए मैंने 45 की वैल्यू पुट कर दी कॉस की, और m और v तो मेरे पास दिया ही हुआ है। अब सोचिए माइंड में वर्टिकल में क्या फर्क आया। वर्टिकल में हमारे पास इनिशियल वर्टिकल भी j डायरेक्शन में है, माइनस j में नीचे की तरफ, इनिशियल मेरा इधर नीचे की तरफ है, इनिशियल मोमेंटम नीचे, इधर ऊपर से नीचे, और फाइनल भी नीचे। इसका मतलब इसमें स्ट्रेट वे माइनस होगा। यहां पर क्या हुआ था, इसका मोमेंटम राइट आने वाले v का और v बाई टू का माइनस, इसीलिए माइनस माइनस लगा। लेकिन जिस केस में दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, हमें उसको स्ट्रेट वे माइनस कर देना पड़ेगा। तो वर्टिकल के मोमेंटम की हम बात करते हैं, फाइनल आया एम वी बाई टू कॉस 45 और इनिशियल था एम वी साइन 45 और माइनस 1/2√2 mv इसका उत्तर आ गया। अब मोमेंटम क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर से हम i और j या म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को निकालते हैं, वो हमने निकाल लिया। अब आपको पता है आपको एक हॉरिजॉन्टल का चेंज इन मोमेंटम मिल गया और एक वर्टिकल का चेंज इन मोमेंटम मिल गया, तो फाइनल कैसे निकलेगा, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, तो हमने इसको ऐड कर देना है स्क्वायर करके। एम वी बाय 2√2 कॉमन ले लिया अंदर, 3² + 1 = √10 mv/√2। अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, आपको पता है मास 0.1 है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, इसके पास वैल्यू √5 आ गई। इस वाले क्वेश्चन में हमने v की डायरेक्शंस का भी चेंज ले लिया, मैग्नीट्यूड का भी चेंज ले लिया, मतलब इस क्वेश्चन में हमने सारी चीजें एक साथ यूज कर ली हैं। हालांकि स्ट्रेट वे एक क्वेश्चन में इतना ज्यादा नीट में आने की उम्मीद नहीं है, पर मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को पूरे फॉर्म में ले लिया है, तो जैसा भी क्वेश्चन होगा उसको आप अकॉर्डिंगली अपने आप में चेंज कर लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी क्लियर टू यू। ये मोमेंटम का मैंने आपको जब पढ़ाते हुए बीच बीच में बताया था कि ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने हैं। आइए एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। अब आप देखें इस क्वेश्चन को, 1, 2, 3 माने एक का मास, इसका टोटल मास हम लोग 6m मान लेते हैं, तो एक m है, एक 2m है, एक 3m है, तो m वाला 9i से जा रहा है, x एक्सिस में 9 है, ओके, और 2m वाला 6 से जा रहा है j में, राइट। अब हमें वेलोसिटी थर्ड फ्रेगमेंट की निकाली, आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। पहले ये देखिए, ये मैंने सीधा मोमेंटम लिखा है, मैंने मास को मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इस केस में देखिए 9m कहां से आया, 9 × 1, और 12 कहां से आया, 2m × 6। अब तीसरा जो बॉडी होगी उसका मास 3m होगा
वेलोसिटी कुछ होगी, लेट अस प्रेज्यूम उसकी वेलोसिटी कहीं पर। अब आपको इससे अंदाजा तो लग गया होगा कि उसका आंसर इसके ऑपोजिट आना चाहिए रिजल्टेंट के, समवेयर हेयर उसका आंसर आएगा। इतना आपको मेंटली पहले क्लियर हो जाना चाहिए। आइए, ये कर दिया, इसको 3 mv लिख दिया। अब अगर मैं इस एंगल को, सपोजिंग मैं यहां पर एंगल लाइन मान के इसको थीटा मान लेता हूं, तो 3 mv cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 9 m एंड 3 mv sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 12 m। हमने मोमेंटम को कंजर्व करना है, याद है आपको मोमेंटम, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगी है, और जब फोर्स नहीं लगी तो नया मोमेंटम में चेंज नहीं आ सकता। इनिशियल मोमेंटम बॉम्ब का जीरो था, बाद में भी जीरो ही रहेगा। आइए, हमने सॉल्व किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखिए, v cos थीटा इक्वल टू 3 आ गया। ऐसे ही जब वर्टिकल किया तो मेरे पास v cos थीटा इक्वल टू 4 आ गया। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ वेलोसिटी पूछी गई है, मुझे v निकालना है, मुझे v cos थीटा मालूम है, v sin थीटा मालूम है। तो v निकालने का तरीका बहुत आसान, आप v sin थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, v cos थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, v स्क्वायर उसका रूट ले लीजिए। लेकिन यदि मुझे एंगल निकालने को बोला होता तो भी मैं निकाल सकता, इनको डिवाइड करता। देखिए, v sin थीटा 4 था, v cos थीटा 3 था, tan थीटा कितना आता, 4/3। तो वो भी कहीं प्रश्न आ सकता है, लेकिन इस केस में हमें दोनों को मैथमेटिकली वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। अपन ने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, हमारी वैल्यू 3² + 4² से हमारे वो वैल्यू आ गई। एक और क्वेश्चन देखिए, अब इसमें 8 kg के ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया और आपके सामने क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब ये क्वेश्चन क्यों है मैं आपको याद कराऊं, मैंने आपको बताया था फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ध्यान आया आपको, लिमिटिंग वैल्यू से। अब हमारे पास 0.25 μ है, m मेरे पास 8 kg है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस होने की वजह से मेरा नॉर्मल रिएक्शन 80 हो जाएगा, m इंटू जी इंटू म्यू, मेरा फ्रिक्शनल फोर्स म्यू 0.25 इंटू 80 हो जाएगा। सो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स 20 N है। लेकिन अब ध्यान देना, पहले केस में तो आप 20 से कम अप्लाई कर रहे हो, तो जितना अप्लाई करोगे उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स रहेगी, यही वो प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। याद आया आपको, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की यही प्रॉपर्टी है, इसलिए F1 5 N रहेगा। जबकि आप 20 को क्रॉस कर चुके हो, सेकंड केस में जब आपने 25 N लिया है, तो मेरी वैल्यू फिर 20 N ही रहेगी। हेंस F1 इंटू F2 विल बी नाउ 100 N। F1 इंटू F2 विल बी नाउ 100 N। आंसर इज सी। आइए एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, एक बॉडी है जो स्मूथ सरफेस पर 45 डिग्री पर गिरती है, तो n टाइम तो लट कुछ टाइम आता है नीचे गिरने में, दूसरे केस में उसको n टाइम ज्यादा लगता है जब उसी प्रकार के रफ सरफेस पे होगा। अब माइंड में सोचिए, जब स्मूथ है तो क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होती, जब रफ है तो क्या होता है, फ्रिक्शन बीच में आ जाती है। अब फ्रिक्शन इज अगेन ऑलवेज ऑपोजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्मूथ सरफेस पर बॉडी जी साइन थीटा से नीचे गिरती है, लेकिन रफ में जी साइन थीटा फोर्स नीचे होती है और म्यू जी कॉस थीटा फोर्स ऊपर होती है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए, स्मूथ सरफेस जी साइन थीटा आ गया, रफ में क्या हो गया, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब एक में टाइम टी लगा है, दूसरे में ऑब्वियसली एन टी, एन गुना ज्यादा लगा, हमने इक्वेशन सॉल्व कर दी आपके सामने। So, म्यू की वैल्यू 1 - 1/n² आ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, जो इसके आपके पास फाइनल आंसर अगर आप नोट भी कर लेंगे तो काफी बेहतर होगा। सो आई प्रिज्यूम नाउ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चंस, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यूज वेरी वेल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर, सो यू गेन मच बेटर कॉन्फिडेंस। Thank you and all the best.